दूसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। एक हफ्ते तक चलने वाले समारोह के उद्घाटन के मौके पर थाईलैंड की महारानी डॉक्टर मॉम लुआंग राजाद्री श्री जैन कुरा ने शिरकत की। इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की कई फिल्मों को दिखाया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री को जितना बढ़ाएंगे उतना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ये नाम कर सकते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और इसके अलावा विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा आकर्षित कर सकती है फिल्म इंडस्ट्री को। उसको निश्चित रूप से भी बढ़ाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हमारी इकॉनमी पर मदद करेंगे। और दिल्ली फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की है, ये सेकेंड ईयर है, ये और बढ़ेगा, ये जो है बहुत अच्छा प्रयास है। फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों के मुताबिक देश की राजधानी के लिए ये बड़ा मौका है कि जब इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। 65 सालों का जो एक खाली बना था फिल्म समारोहों से, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और मेरा मानना ये है कि दिल्ली जैसे शहर में और जो भारत की राजधानी है जहाँ 1600 फिल्में हर साल बनती हैं, दुनिया के किसी भी देश में शायद इससे ज़्यादा फिल्में नहीं बनती हैं, उसके राजधानी में अगर कोई फिल्म समारोह 65 सालों में नहीं हुआ है तो ये समारोह जो है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्व का एक अच्छा सिनेमा और इसके साथ साथ भारतीय सिनेमा, प्रवासी सिनेमा जो NRI फिल्म मेकर्स हैं, उसके साथ हम साहित्य, कला, संस्कृति, फैशन और संगीत का भी एक ऐसा जो तालमेल है वो अपने इस फेस्टिवल के जरिए लोगों के सामने ला सकें, जिससे दिल्ली को एक ऐसा समारोह मिले जहां सबके लिए सब कुछ हो। गौरतलब है कि इस साल DIFF ने अपनी ओपनिंग फिल्म के लिए श्रीलंका की डायरेक्टर समन वीरमन की बहुचर्चित फिल्म सिद्धार्थ गौतम को चुना है। यह फिल्म 66 साल का रिकॉर्ड तोड़कर श्रीलंका के फिल्मी इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।